ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, हमारे सोर्सेस बिल्कुल सही इनपुट दे रहे थे, ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे थे कि ललन सिंह ये तय है कि इस्तीफा देंगे, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इसकी संभावना प्रबल है कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बनाए जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू में अब ललन सिंह अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू कार्यकारिणी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा यानी अब स्वीकार कर लिया जाएगा, और ये इस्तीफा स्वीकार होता है तो संभावना इस बात की ज्यादा कि नीतीश कुमार खुद अब पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी, ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, अभी जेडीयू जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ललन सिंह ने ये कह दिया, और फिलहाल अंदर बैठक में नीतीश कुमार का भाषण चल रहा है और नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि आगे पार्टी की योजना क्या है, अगले लोकसभा चुनाव के लिए क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में अभी नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा है। जो कि नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनका अनुमोदन कराना जरूरी रहेगा। एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई फैसला जब होता है तो जेडीयू का जो संविधान है उसके हिसाब से इस कार्यकारिणी के फैसले को जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो कि दोपहर 3:30 बजे होगी उसमें औपचारिक तौर पर मुहर लगाना होता है, लेकिन अंतिम फैसला इस कार्यकारिणी में एक तरह से हो जाता है। और ललन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ना है तो वो ऐसे में ये कमान नीतीश कुमार को देना चाहते हैं, ऐसा जेडीयू के सोर्स बता रहे हैं। अंदर जो पार्टी बैठक में मौजूद हैं वो सोर्स ही बता रहे हैं, और समझा जा सकता है कि जो एक धारणा सी एक बनी हुई थी कि अब नीतीश कुमार कमान अपने हाथों में लेंगे वो होता नजर आ रहा है, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार की एक बार फिर से वापसी होगी। और इस रूप में अगर देखें तो जेडीयू का कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो कि इस फैसले को का तह दिल से स्वागत ना करे, बहुत ज्यादा वो खुश ना हो इस फैसले को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार। बाकी जिन नेताओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं उनका राजनीतिक वजूद, राजनीतिक वजन इसी लिहाज से होता है कि वो नेता नीतीश कुमार के कितना करीबी हैं। अगर नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं तो वो बड़े नेता माने जाएंगे, जिस दिन नीतीश कुमार से वो अलग हो जाएंगे वो बहुत छोटे नेता हो जाते हैं। तो इस परिपाटी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वैसा व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल रहा है तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मीनाक्षी, तो नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बन सकते हैं और इसकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है 2024 के चुनावों के लिहाज से भी। इसकी संभावना ज्यादा इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर एक मत एक राय होना जरूरी है। नीति निर्धारण अगर कोई पार्टी में करता है और सर्वमान्य नेता है तो वो नीतीश कुमार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ललन सिंह ने जो इस्तीफा दिया, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, इस्तीफे में कारण क्या बताया गया है? और उन्होंने यही बताया है कि 2 साल का टर्म हो गया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है, तो इस हिसाब से उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की कि वो चाहते हैं कि इस्तीफा देना, और उसके बाद नीतीश कुमार का ये संबोधन शुरू हो गया है। और फिलहाल नीतीश कुमार का संबोधन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने, उसमें नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि पार्टी का आगे का एजेंडा क्या होगा, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है। उससे समझा जा सकता है कि बहुत स्वाभाविक तौर पे एक बैटन चेंज, क्योंकि पहले से ही हम लोग इस बात को कह रहे थे कि होगा यही कि जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उसमें ललन सिंह खुद इस्तीफे की पेशकश करेंगे, उसके बाद कार्यकारिणी में उस पेशकश पे चर्चा होगी और उस पेशकश को स्वीकार लिया जाएगा, और फिर कार्यकारिणी में ललन सिंह ही प्रस्ताव ये रखेंगे कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार को संभालनी चाहिए, और कार्यकारिणी एक सुर से उसका उस पर सहमति दे देगी और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसको लेकर जाएगा। तो ये पूरी तरह से ये जो सेट प्लान था उसी प्लान के हिसाब से चीजें आगे जा रही हैं, कोई भी नाटकीय घटनाक्रम नहीं हुआ है। मीनाक्षी, देवेंद्र, अब ललन सिंह की भूमिका क्या रहेगी? और नीतीश चंद्र भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर हम उनसे भी जानकारी इस पर हासिल कर ले। नीतीश, अब ललन सिंह की भूमिका क्या रहेगी?
देखिए जाहिर है अब पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी में बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, तो उनकी भूमिका बहुत कम तो नहीं होगी। पार्टी में कद जो है वो रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल जैसा कि वो खुद कहते रहे हैं कि मुंगेर से उनको चुनाव की तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से पूरा समय मुंगेर में देंगे। क्योंकि देखिए मुंगेर से जब पिछली बार उनकी जीत हुई थी उस समय बीजेपी साथ में थी, और मुंगेर का जो सामाजिक समीकरण है उस लिहाज से बीजेपी का जो कोर वोटर है उसकी मदद से वो जीते थे। अब बीजेपी साथ नहीं है, ऐसे में बहुत आसान नहीं है उनकी मुंगेर की लड़ाई, ये उनको भी मालूम है, और इसलिए वो चाहते हैं कि वो पूरा समय दें और पूरी मेहनत करें। और यही कारण है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से जब उनके रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हुए तो अपने क्षेत्र में वो लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ करते जा रहे हैं और ये बताते जा रहे हैं कि किस तरह से लालू यादव ने सामाजिक न्याय को लेकर क्या कुछ किया, तमाम उनकी तारीफें की जा रही हैं। तो ललन सिंह की कोशिश अब निश्चित रूप से ये होगी कि 24 की लड़ाई में कम से कम वो अपनी सीट जो है वो निकाल सकें, वो सुरक्षित रख सकें। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो अभी यही है कि वो अपनी सीट को बचा सकें, उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी में जो उनका एक कद था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे, वो रुतबा नहीं होगा। और जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि ललन सिंह बिल्कुल अलग अकेले पड़ गए थे। नीतीश कुमार से रिश्ते जरूर बहुत अच्छे थे, लेकिन पार्टी के अंदर वो बिल्कुल अकेले पड़े हुए थे, कोई बहुत बड़ा नेता उनके साथ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो उनके विरोधी हैं, जो नहीं चाह रहे थे कि ललन सिंह रहें, अब वो जरूर सामने नजर आएंगे, अब वो हावी नजर आएंगे। तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, काफ़ी पहले से इस बात की चर्चा थी और लगातार सूत्र हमें ये बता रहे थे कि ललन सिंह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ने की पेशकश करेंगे, और ऐसा ही हुआ है। हालांकि अभी नया अध्यक्ष कौन होगा इस पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कमान है वो संभालेंगे। तो अब देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं चुनाव तक निश्चित रूप से जो जी बोले। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार हो चुके हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जैसा कि पहले मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रीय परिषद की बैठक का इंतजार है, इसके अलावा कोई और औपचारिकता नहीं होनी है। वो भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आप समझ सकते हैं कि महज एक औपचारिकता है। जो प्लान बनाया गया था उसी प्लान के तहत ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की, उस पेशकश पर कार्यकारिणी ने मुहर लगा दी, एक तरह से स्वीकार लिया, और उसके बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार लिया गया है। और अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार आगे का प्लान बता रहे हैं कि पार्टी को किस लाइन पर जाना है। तो जेडीयू नेताओं की, जिसमें बार बार हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रैंक एंड फाइल जिसे कहा जाता है, कि कार्यकर्ता से लेके उनके बड़े नेताओं तक में, उनमें से अगर परसेंटेज वाइज आप देखें तो ललन सिंह और उनके साथ दो तीन लोगों को छोड़ के आपको कोई और नहीं होगा जो ये नहीं चाह रहा था कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाए और नीतीश कुमार के हाथ में वो कमान दे दी जाए। ये जेडीयू में एक सुर राय थी, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को भी ये फैसला करना पड़ा। हालांकि इसमें एक चीज देखें कि ये फैसला कड़वाहट के साथ नहीं लिया गया है, और कड़वाहट जो आरसीपी सिंह के साथ दिखी थी उसके साथ वो रूप, वो तस्वीर इसमें नहीं दिख रही है। उसकी बड़ी वजह यही है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते आज भी मधुर हैं। अदरवाइज जेडीयू के भीतर ललन सिंह को लेके बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और आज वो सारे तो नेता, कुछ खबरों का खंडन तो देवेंद्र यही से कर देना चाहिए कि जो खबरें आ रही थी कि पार्टी के भीतर कोई दो फाड़ की स्थिति है, यानी ऐसा कुछ नहीं है। दो फाड़ की स्थिति हो ही नहीं सकती। जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दो फाड़ कर सके। आपने पहले देखा होगा जैसे उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए, ललन सिंह भी पहले जब अलग हुए, तो ये सिर्फ एक नाम होते हैं जो अलग होते हैं, कुछ दिन तक वो सुर्खियां बटोरते हैं, इसके अलावा कोई उनका वैसा वजूद हो नहीं पाता कि दो फाड़ कर दिया जाए। क्योंकि जेडीयू कोई वैसा ढांचा नहीं है जिसमें कई सारे नेता हों, यहाँ तक कि शरद यादव भी कुछ नहीं कर पाए थे। जो कुछ भी हैं वो नीतीश कुमार हैं, वन मैन पार्टी शो है अभी, और उसके हिसाब से उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सब कुछ चलता है। उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को, जिस नेता को महत्व दे दिया वो बड़ा नेता हो जाता है। जिस दिन नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति को किनारे किया उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये स्थिति जेडीयू के भीतर की है, ऐसे में दो फाड़ वाली संभावना तो हो ही नहीं सकती थी।